हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, आपको यदि याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल, और वो इलेक्ट्रिक डायपोल बना था एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दोनों को जब हम पास में लाके और उनको सेपरेट रख देते थे एक फिक्स डिस्टेंस पे, तो उसको हम उस एक सिस्टम को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को कोई एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता होगा, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे कोई नेगेटिव चार्ज को भी कोई फोर्स लगाता होगा, ठीक है ना। तो जब वो दोनों चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज मल के और एक सिस्टम बनाया गया, और उस सिस्टम में उन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता था, और सबसे पहले ये जो कूलॉम्स साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ऑब्जर्व किया था उन दोनों के बीच के फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर मैग्नेटिज्म की बात करें, तो मैग्नेटिज्म में भी हम देखते हैं कि यहां पर जो मैग्नेट है, किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मीन्स अगर हमें छोटे से छोटे मैग्नेट को बनाना चाहे तो वो उसके दो पोल होंगे ही, किसी भी मैग्नेट का सिंगल एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो जब नहीं करता है मीन्स इसके दो पोल्स हैं, और इसके दो पोल्स हैं, तो जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते थे, तो यहां पर हम मैग्नेटिक डायपोल की बात करेंगे। अब एक इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्जों के बीच में वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था, तो यहां पर जो मैग्नेटिक डायपोल अब है, डायपोल एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, उस उन दोनों को मिला के अब हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक डायपोल पूरे मैग्नेट को। अब इन दो पोल्स के बीच में क्या मैग्नेटिक फोर्स लगता है या नहीं लगता, और जब मैग्नेटिक फोर्स लगता होगा तो वो कितना होता होगा, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे पहले। तो अब हम मैग्नेटिक डायपोल की बात करेंगे, तो जो मैग्नेट है, अब हम यहां पर एक बार मैग्नेट के बारे में कंसीडर करेंगे, और अब हम जानते हैं कि मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं ना, मैग्नेट के एंडिंग, ये एंडिंग होते हैं उनके थोड़ा सा अंदर में रहते हैं। ये सपोज ये एक नॉर्थ पोल है, तो यहां हो जाएगा साउथ पोल। अब ये दोनों मिलके, इन दोनों को हम एक साथ बोल देते हैं डायपोल, मैग्नेट के हैं इसलिए मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है उसमें हम देखें, आपने पढ़ा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कि दो पोल्स जो होते हैं ना, दोनों पोल एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं, और उनमें जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, और अनलाइक पोल अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं एक दूसरे को। वो फोर्स भी कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और इसलिए ये जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक डायपोल के दोनों पोल्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं कि ये जो पोल्स होते हैं, इनकी एक पोल स्ट्रेंथ होती है पर्टिकुलर, और पोल स्ट्रेंथ क्या है कि ये जो पोल्स हैं इन पर कितना, ये जो पोल्स हैं इन पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितनी इंटेंस रहती है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, वो इंटेंसिटी को ही हम बोलते हैं यहां पर पोल स्ट्रेंथ। तो सपोज नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है वो है क्यू एम, ठीक है, और साउथ पोल का भी क्या है, क्यू एम। अब दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए जो पोल स्ट्रेंथ है एन पोल का उसको हम क्यू एम वन लिख लेते हैं, और पोल स्ट्रेंथ है एस पोल का उसको हम लिख लेते हैं क्यू एम टू, ठीक। तो अब ये दो मैग्नेटिक डायपोल हैं,
और जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की जो दो पोल्स होते थे, दो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते थे, उन दोनों के बीच में फोर्स लगता था अट्रैक्टिव। वैसे ही यहाँ पर भी ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हैं, तो हम इनकी प्रॉपर्टी जानते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, कि दो जो पोल हैं मैग्नेटिक पोल्स, यदि वो लाइक पोल्स हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही सेम अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसको हम यहाँ एफ से डिनोट करेंगे। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक डायपोल इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ्स ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स। क्या, एक बार और सुन लो, द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक डायपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ्स ऑफ टू मैग्नेटिक डायपोल। ओके, तो ये है जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल में होता था, बिल्कुल सेम यहां पर है, बस यहां पर हम मैग्नेटिक बोलते हैं और वहां इलेक्ट्रिक बोलते थे। अब हम सेकेंड देखते हैं, और ये जो फोर्स लगता है ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हमने ली है, डी ली है। तो ये जो फोर्स लगता है दोनों के बीच में ना, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक डायपोल। ये दोनों हो गए। इस इक्वेशन को सपोज ये फर्स्ट अगर हम लिखते हैं तो इसको हम लिख देते हैं क्या, सेकेंड। अब बहुत ही चीजें, बहुत इतनी छोटी सी चीजें, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स मिलेगा वो मिल जाएगा Qm1 इंटू Qm2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का ये सिंबल है तो इसको हम हटाएंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाते समय हम यहां पर कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर हम सपोज यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा रहे हैं वो के लगा रहे हैं, और तब उसकी वैल्यू पूरी लिख देंगे m1 इंटू Qm2 अपॉन डी स्क्वायर। ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, अगर हम SI सिस्टम में यहाँ इन दोनों के बीच का जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम मेजर करते हैं SI सिस्टम में, तो ये K की वैल्यू होती है म्यू अपॉन 4 पाए। और ये जो म्यू है ना, यहाँ हम इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो अब देख रहे हैं मीडियम कहाँ, ये दोनों पोल हैं, इन दोनों के बीच में जो भी मीडियम है, इन दोनों के बीच में तो यहां तो सब्सटेंस है ना मैग्नेट का, तो ये सब्सटेंस भी एक मीडियम है। तो इन दोनों पोल्स के बीच में जो भी मीडियम होगा, या फिर एयर होगा, या फिर कोई डिफरेंट सब्सटेंस होंगे, या फिर सॉलिड होगा, या गैस, या फिर लिक्विड, जो भी है। हालांकि यहां पर हम यहां पर देख रहे हैं अभी, यहां इन दोनों के बीच में क्या है, यहां अंदर सब्सटेंस है, सॉलिड है। तो उसकी बाद हम बात में करेंगे कि कब कौन सा मीडियम होता है तो क्या होता है, पर अभी इतना बस जान लो कि मीडियम है कोई, तब उस मीडियम का परमिएबिलिटी है, ठीक है ना, ये उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कितना अलाउ करता है ये मीडियम, उसको बोलते हैं हम परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और उसको लिखते हैं हम म्यू सी। तो ये जो इक्वेशन है इसमें के की वैल्यू रखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू अपॉन 4 पाए। इस के की वैल्यू यहां से हमने रख दी, और बचा क्या, m1 इंटू Qm2 अपॉन डी स्क्वेयर। तो इसको कोई इक्वेशन दे भी सकते हैं और नहीं भी, चलो हम दे देते हैं इक्वेशन। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहां पर परमिटिविटी लेते थे, और यहां पर मैग्नेटिज्म में हम परमिएबिलिटी लेंगे। तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक रिलेटिव परमिटिविटी पढ़े थे, और उसकी उसको हम लिखते थे एप्सिलॉन आर, और इसकी जो वैल्यू होती थी उसको हम लिखते थे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो ऐसे ही मैग्नेटिज्म के लिए हम यहां पर लेंगे परमिएबिलिटी और वो म्यू से शो करेंगे। तो यहां पर अगर हम रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करते हैं तो वो म्यू आर लिखेंगे हम, और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो ये है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बिटवीन टू मैग्नेटिक डायपोल्स, एंड ये जो है ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की है ये। तो अब ये म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट इनटू म्यू आर, इतनी हो जाएगी। तो यहां पर जो इक्वेशन थर्ड है वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन थर्ड बन जाएगा एफ इक्वल, इसकी वैल्यू हो गई म्यू नॉट इनटू म्यू आर, और नीचे 4 पाई, और यहां क्यू एम वन इंटू क्यू एम टू अपॉन डी स्क्वायर। तो अब हम क्योंकि अभी जो हम फोर्स मेजर कर रहे हैं यहां एसआई सिस्टम के लिए हमने इतना लिया था के की वैल्यू, तो जब ये एसआई सिस्टम में हम ले रहे हैं पूरी चीज, तो एसआई सिस्टम में जो म्यू आर की वैल्यू होती है ना वो 1 होती है, तब फिर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्यू एम वन इंटू क्यू एम टू अपॉन डी स्क्वायर। अब ये हमारा एक फॉर्मूला मिल जाएगा, और इस इक्वेशन को हम लिखते हैं फोर्थ इक्वेशन, इतना हो गया ना। अब इसके बाद हम इसकी एक और वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10^-7। ठीक, तो इसकी वैल्यू है इतनी, हम यहां रख देते हैं, तो f की वैल्यू कितनी बन जाती है, f की वैल्यू हो जाती है 4 पाई इंटू 10^-7 अपॉन 4 पाई ये वाला इंटू ये बचा क्यू एम वन इंटू क्यू एम टू अपॉन डी स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसल होगा, अब 10^-7 बचा, और उसके बाद क्यू एम वन इंटू क्यू एम टू अपॉन डी स्क्वायर, ये एक फाइनल इक्वेशन हमें मिला। तो ये जो डेरिवेशन है बहुत ही इजी है, और ये कोई नया डेरिवेशन नहीं है, इसी टाइप के सिमिलर डेरिवेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में वहां पर भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और वैसा ही मैग्नेटिक डायपोल के बीच में जो फोर्स लगता है वो उस फोर्स को डिराइव करने की जो प्रोसेस होती है सेम वैसी ही होती है। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।